अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मसाला हांडी, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जो जो चीज़ें चाहिए उनमें है ये चिकन, ये तकरीबन 1.5 किलो हमने लिया है। और इसमें हमने ये देखें, इसमें हमने ये कट्स लगा लिए हैं। इसी तरह आपने दो दो कट सबको लगा लेने हैं। ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त होगा। और इसके अलावा इसमें हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए, दही चाहिए। ये हम मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, पहले चिकन टिक्का की मैरिनेशन के लिए। और ये हमारे पास है फूड कलर, ऑरेंज हमने लिया है। ये कलर देने के लिए आप चाहे फूड कलर यूज़ कर लें, या इसके अलावा आप जो लाल कश्मीरी मिर्चें होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसका अच्छा सा कलर आ जाए। ये हमारे पास है लेमन जूस। आप 1 से 2 लेमन का जूस ले लें, या 1 टेबल स्पून कर लें, या आप 1 टेबल स्पून सिरका भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये सब मैं जो आपको बता रही हूँ सब मैरिनेशन के लिए है। इसके अलावा ये हमारे पास खुश्क मसाला जात में है। ये नमक है, ये 1 टीस्पून डालना है। इसी तरह रेड चिली पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। ये धनिया पाउडर है, सॉरी ये जीरा पाउडर है, ये भी 1 टेबल स्पून है। हाफ टेबल स्पून आपने हल्दी पाउडर डालना है। ये 1 टेबल स्पून आपने चाट का मसाला डालना है। ये हाफ टी स्पून जो है ये हमारे पास है गरम मसाला। और ये खुशक धनिया पाउडर है, ये भी आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून डालना है। चलें अब हम इनकी मैरिनेशन कर लेते हैं, ताकि उसके बाद हम फिर इसको बाकी प्रोसेस जो स्टार्ट करें। ये जी मैरिनेशन के लिए हम एक बाउल में अपना ये चिकन डाल लेंगे। मैंने लेग पीसेस लिए हैं, आप चाहें तो इसको टिक्का बोटी भी बनवा सकते हैं, अपनी आपकी अपनी मर्जी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ये हमारे पास है जिंजर पेस्ट है, ये भी 1 टेबल स्पून होगा तकरीबन। और ये गार्लिक पेस्ट है, ये भी 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल लेंगे। उसके अलावा अब हम इसमें ये डालेंगे धनिया, ये 4 टेबल स्पून के करीब तकरीबन हमने इसमें धनिया डालना है, सॉरी दही डालना है। इसके अलावा हम ये सारे खुश्क मसाला जात जो हैं हमारे पास, इसमें हम ये डाल लेंगे। ये जितने आपको मैंने बताए थे ये सारे इसमें हम डाल लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास लेमन जूस है, ये 1 टेबल स्पून है, ये भी डाल लेंगे हम। और ये हमारे पास इसका ये फूड कलर है, ऑरेंज कलर हमने लिया है। आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। और अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर लें सब चीज़ों को, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आज हमारी चिकन भी बहुत खुश हो रही है, मज़े मज़े के मसाला जार, तरह तरह की खुशबुएं इसके अंदर जा रही हैं। क्या बात है जी, आज हमारा चिकन वाकई बहुत खुश हो रहा होगा कि क्या मज़े मज़े के मसालों से मुझे नहलाया जा रहा है। चलें जी, हमने मैरिनेशन कर ली। इसको आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो, और अगर चाहें तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। हम भी इसको अभी रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, और उसके बाद हम आपको इसका बाकी प्रोसेस बताएंगे कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने हमने जो मैरिनेशन वाला चिकन है वो एक एक करके इसमें रखते जाएंगे। ये हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के आसपास, 1 टेबल स्पून तकरीबन हमने इसमें ऑयल ग्रीस कर लिया है। और इसमें हम अपने टिक्का के पीसेस जो हैं वो रखते जाएंगे। और 3 से 4 मिनट इसको हम दरमियानी आंच पर पड़े रहने देंगे, उसके बाद हम इसको साइड से डिश कर लेंगे। इसकी ये हमने अपने चिकन टिक्का के पीसेस जो हैं वो एक फ्राइंग पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल में रखे हैं।
3 से 4 मिनट में ये हमारे एक साइड से कुक हो जाएंगे। उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। जी तो ये हमारे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हम इसको साथ में थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करते जाएंगे चिकन को, और साथ ही इसके जो मैरिनेशन का हमारे पास मसाला है उसको इसके ऊपर लगाते जाएंगे। ये देखिए स्पून के साथ लगाएंगे और इसको हम इसके साथ करते जाएंगे। ये हमने एक साइड चेंज की है, आप इसको अपने तरीके से साथ साथ जहाँ जहाँ से आपको लगे कि ये कच्चा है तो इसको आप पकाते जाएंगे। इसको इसकी साइड टर्न कर लेंगे। साथ साथ अपना मैस भी क्लियर करते जाएं। ये हम ऑयल ग्रीस कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए हम इसको और रखेंगे। ये साइड हमारी, ये देखिए, ये हम अपना साइड चेंज कर लेंगे और इसको पकाते जाएंगे। ये हमारे बहुत ही शानदार लेग टिक्का जो हैं वो फ्राई होते जा रहे हैं। इनको हम हर तरफ से पूरी तरह से फ्राई कर लेंगे। जी तो इनको फ्राई करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सारे जो हैं चिकन टिक्का रेडी हो चुके हैं। इनको अब हम दोनों साइडों से हमने इनको 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। उसके बाद अब हम इसको हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे ताकि ये जूसी हो जाए ज़रा। और हमने जितना बाकी का मसाला था, एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे हम इसको दम देने से पहले एक बार फिर इस पर ऑयल ग्रीस कर लेंगे। ताकि ये शाइनी शाइनी गोल्डन गोल्डन हमारे मज़ेदार टिक्का मसाला जो हैं वो रेडी हो जाएं। इसको हम 5 से 10 मिनट दम पे रखेंगे और उसके बाद इसको हम लिड से कवर कर देंगे और उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये हमने अब अपना मसाला रेडी कर रहे हैं। इसके लिए हमने 1 कप प्याज लिया है, ये इसको हमने ग्राइंड किया हुआ था, यानी हमने ऑनियन पेस्ट लेना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा अब सॉफ्ट हो गया है, तो इसके साथ ही हम इसमें अपना ये 1 टीस्पून हमने डालना है गार्लिक पेस्ट और 1 टेबल स्पून हमने डालना है इसमें जिंजर पेस्ट। जी तो इसको हम फ्राई होने तक इसको अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाता है। फिर जी ये हमारी प्याज जो है और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये हमारा गोल्डन हो रहा है, इसको हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे। और इसके बाद हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे और टमाटो प्यूरी डालने के बाद हम इसमें, यानी टमाटो का पेस्ट डालेंगे, 2 टमाटर का पेस्ट डाल लेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। ये हमारे पास हमारा जो पेस्ट था वो चूंकि फ्रीज्ड है तो ये जैसे ही मेल्ट होता है इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसके साथ हम इसमें ये मसाला जात भी डाल लेंगे अपने। फ्लेम थोड़ा स्लो कर लेते हैं
इसमें हमने लिया है, चूँकि हमने पहले से उसमें टिक्का में मसाला लगाया हुआ था, इसलिए इसमें हमने हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है, हाफ टी स्पून हमने रेड चिली पाउडर, और ये वन पिंच जो है हमारे पास हल्दी है, और इसी तरह से 1 to 2 पिंच जो है वो ज़ीरा है। ये हम इसमें सारे डाल देंगे और इसको, और अपने मसालों में थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि ये जले ना। दो टेबलस्पून हम इसमें पानी डाल लेंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जी ये हमारा मसाला जो है ये रेडी हो चुका है, चिकन टिक्का के लिए हमने मसाला रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इसमें, अगर आप लोग, ये ऑप्शनल है, हमने बलाई ली है 3 से 4 टेबलस्पून, हम ये भी इसमें डाल देंगे, आपकी मर्ज़ी है, आपका, आप चाहें तो डाल लें वरना ये ऑप्शनल है, ना डालें कोई मसला नहीं है। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से तेज़ आंच पे एक मिनट के लिए सिर्फ इसको भून लेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून बलाई डाली है मैंने, और इसके साथ ही हम इसमें अपने ये टिक्का जो है, टिक्का पीसेस जो हैं ये डाल लेंगे, फ्लेम को लो कर लेंगे। एक और बात फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मसाला जो है कम पसंद है तो आप बेशक मसाला कम बना सकते हैं, यानी ग्रेवी जिसको हम कहते हैं वो आप कम बना सकते हैं। हमारे घर में चूंकि मसाला ज़्यादा लिया जाता है, ग्रेवी पसंद की जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ये हम सारा इस पर जो इसका मसाला है वो भी डाल देंगे, और इसको मीडियम लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही शानदार और टेस्टी चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है। आप भी खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, इंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो चिकन टिक्का की, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।